छत्तीसगढ़ में पौष माह की पूर्णिमा तिथि को छेर छिरा का जो पर्व मनाया जाता है वे अलग अलग वर्ग के लोगों के द्वारा अलग अलग मान्यताओं के अंतर्गत मनाया जाता है। यहाँ के मूल निवासी वर्ग के लोग जो गोंडवाना और आदिवासी संस्कृति को जीते हैं, वे इसे पौष पूर्णिमा के अवसर पर घोटोल की शिक्षा में पारंगत हो जाने के पश्चात 3 दिनों का पर्व मनाते हैं, जबकि यहाँ के मैदानी भाग में निवासरत अन्य सामान्य जन खरीफ की फसल की लुवाई मिसाई के पश्चात उल्लास के रूप में 1 दिन का दान पर्व के रूप में मनाते हैं। इन दोनों ही मान्यताओं से इतर मुझे अपने साधना काल में इसके आध्यात्मिक स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अनुसार यह पर्व महादेव द्वारा विवाह के पूर्व देवी पार्वती से परीक्षा लेने के निमित्त उनके घर जाकर भिक्षा मांगने के प्रतीक स्वरूप मनाया जाने वाला पर्व है। आप सभी को यह ज्ञात है कि पार्वती से विवाह पूर्व भोलेनाथ ने कई किस्म की परीक्षाएं ली थीं। उनमें से एक परीक्षा यह भी थी कि वे नट बनकर नाचते गाते पार्वती के निवास पर भिक्षा मांगने गए थे और स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे थे ताकि पार्वती शिव से विवाह करने के लिए इनकार कर दें। छत्तीसगढ़ में जो छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है उसमें भी लोग नट बनकर नाचते गाते हुए भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में तो अब नट बनकर नाचते गाते हुए भिक्षा मांगने जाने का चलन कम हो गया है, लेकिन यहाँ के बस्तर क्षेत्र में अब भी यह प्रथा बहुतायत में देखी जा सकती है। वहाँ बिना नट बने इस दिन कोई भी व्यक्ति भिक्षाटन नहीं करता। ज्ञात रहे इस दिन यहाँ के बड़े छोटे सभी लोग भिक्षाटन करते हैं और इसे किसी भी प्रकार से छोटी नजरों से नहीं देखा जाता, अपितु इसे पर्व के रूप में देखा और माना जाता है और लोग बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर दान देते हैं। इस दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी घर से खाली हाथ नहीं जाता, लोग आपस में ही दान लेते और देते हैं।